बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। प्यारे व्यूवर्स, आज हम आपसे कुछ ख़ास मालूमात, कुछ ख़ास टॉपिक, कुछ ख़ास अंदाज में आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हुए। हमने काफ़ी अरसे से ये चैनल्स को काम इस पे कर रहे हैं। हम खुशबुओं की मार्केटिंग कर रहे हैं, खुशबुओं पे बात कर रहे हैं, बहुत सारे परफ्यूम्स पे बात कर रहे हैं, बहुत सारे अतर्स पे बात कर रहे हैं। और हमने सोचा कि आप दोस्तों के साथ जो मालूमात हम शेयर करते हैं, क्यों ना हम उसको एक ख़ास किस्म के ब्रांड की शक्ल दें। हमारे बहुत सारे दोस्त हमसे दूसरे मुल्कों से रابطہ करते हैं। आपको ये मालूम होगा कि जैसा कि दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान में जो रابطہ करता है, वो सिर्फ बात हम कर सकते हैं। हम कोई प्रोडक्ट बाहर भेजेंगे, उसके लिए कोई बहुत सारा मुश्किल सा मरहले होते हैं जिनको पार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हम पाकिस्तान में रहते हुए आप दोस्तों के साथ जो टॉपिक शेयर करते हैं, हम चाहते हैं कि उसको मज़ीद अपग्रेड किया जाए, उसको मज़ीद दोस्तों के साथ डिस्कस किया जाए। जो ब्रांड, जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, उनमें भी अपना एक ब्रांड ऐड किया जाए। और बहुत सारे ब्रांड हमको देखते होंगे, बहुत सारे ब्रांड्स पे हमारी वीडियो लाइक की जाती होगी, शेयर की जाती होगी, बहुत सारे ब्रांड हमारी वीडियो को बार बार नोटिस करते होंगे। मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे जरिए अगर आप कोई भी खुशबू, कोई भी फ्रेंच परफ्यूम, कोई भी अरबी परफ्यूम, कोई भी इंडियन परफ्यूम हमारे ज़रिए प्रमोट करवाना चाहते हैं, हमारे ज़रिए उसकी वीडियो बनवाना चाहते हैं, हम उसके लिए अभी हाजिर हैं। दूसरी जो मेन बात है, जो मेन मेरा टॉपिक है, हम उसकी जानब आते हैं। उन तमाम मालूमात को आपसे शेयर करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें। हम बात करना चाहते थे आपके साथ खुशबू के, परफ्यूम के आला दर्जे के ब्रांड की। जो भी दोस्त ये काम का, इस काम का शौक रखते हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम सुने होंगे। जैसा कि पाकिस्तान में फेमस तरीन ब्रांड है जे डॉट, अरब कंट्रीज में फेमस तरीन ब्रांड है रसासी, इस तरह सूरती मक्का का ब्रांड है, इस तरह अल रिहाब भी दुबई का ब्रांड है, मक्का में भी वो काम कर रहा है, अरब कंट्रीज में भी उसकी शाखें मौजूद हैं। प्यारे व्यूअर्स, ये अतर के बड़े फेमस तरीन ब्रांड हैं, और भी बहुत सारे ब्रांड हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांड हैं जिनके नाम लेना गिनना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा टाइम दरकार है उनकी लिस्ट को बयान करना। मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स अगर कोई हमसे रहनुमाई लेना चाहे, हमसे हेल्प लेना चाहे, हमसे तजर्बा हासिल करना चाहे, अगर हमारे अंदर कोई एक्सपीरियंस महसूस होता है, आप दोस्तों को कोई हासिल करना चाहे, तो हम आपकी खिदमत के लिए हर वक्त तैयार हैं। हम आपको एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, आपके साथ तजर्बा शेयर कर सकते हैं, ब्रांड को आपके लॉन्च करवाने में हम हेल्प कर सकते हैं। अब ब्रांड को लॉन्च कैसे करते हैं, ब्रांड को लॉन्च करने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन कौन से ऐसे चीज़ें दरकार होती हैं जिससे खुशबू का ब्रांड बनाया जा सकता है, उस पर बात करते हैं। बहुत ज़रूरी टॉपिक है, इंतहाई गौर से देखिएगा, सुनिएगा। खुशबू का ब्रांड मेन चीज़ है, खुशबू के ब्रांड में खुशबू की क्वालिटी सबसे पहली और मेन बुनियादी प्रोडक्ट है, खुशबू की क्वालिटी। स्टॉप कर जी कर मेन जो प्रोडक्ट है, जो मेन बेस होती है जिस पे ब्रांड खड़ा होता है, वो खुशबू की क्वालिटी। खुशबू की क्वालिटी के मुतालिक आपके साथ मालूमात शेयर करेंगे, इसके ऊपर एक अलग से एक टॉपिक बनाएंगे।
कि खुशबू की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, खुशबू किस क्वालिटी की हो, किस ब्रांड की हो तो वो क्वालिटी वाली होती है, कौन सा ब्रांड खुशबुओं में क्वालिटी रखते हैं, किन किन ब्रांड्स की खुशबुएं अच्छी होती हैं। आपके साथ एक और मालूमात जिसके अंदर हाशिए में ऐड करें, उसको अपने नोटिस में रखें, उसको अपने पास महफूज कर लें। जैसा कि ये रसासी ब्रांड है, अल रिहा भी एक ब्रांड है, सूरती भी एक ब्रांड है, इन कंपनियों में तमाम तर कंपनियां, ये सारी कंपनियां अपनी अपनी खुशबुएं तैयार नहीं करती, ये खुशबुएं फ्रेंच कंपनियों से तैयार करवाती हैं, कुछ इंडियन कंपनियां हैं जिनसे ये तैयार करवाती हैं, कुछ तुर्की की कंपनियां हैं जिनसे ये खुशबुएं तैयार करवाती हैं, कुछ जर्मनी की कंपनीज हैं जो ये खुशबुएं तैयार करती हैं। बहुत सारे ममालिक में खुशबुएं तैयार होती हैं, जो ये ब्रांड तैयार करवाते हैं और करवा कर फिर वो अपने ब्रांड नेम के साथ इनकी बॉटलिंग करके इनको खूबसूरत बॉटल्स में डालकर सेल आउट करते हैं और मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड शॉप पर लॉन्च करते हैं, मुतारफ करवाते हैं और अच्छे दामों सेल आउट करते हैं। मैं आपको एक खास बात बताता हूँ, जैसा कि अल रिहाब कंपनी है, बड़ी फेमस कंपनी है, उनकी एक खुशबू है असील, ये असील उसकी खुशबू है। अब इसके साथ ये हमने एक नाम लिखा हुआ है अलीशा, एक खुशबू का नाम है असील और उसी खुशबू का नाम है अलीशा। अब इन दोनों नामों में आपको एक खास बात बताते हैं कि ये ब्रांड बनाने वाला कोई और है, इसको ये नाम देने वाला कोई और है, ये नाम इसको दिया है अल रिहाब कंपनी ने असील, और ये एक नाम दिया है, ये एक परफ्यूम बनाने वाली स्प्रे बनाने वाली कंपनी है, उसने इसको अलीशा नाम दिया है। अलीशा बनाने की, अलीशा का एक परफ्यूम आता है जो मार्केट में स्टील का एक बॉक्स होता है बड़ा खूबसूरत सा, उसमें ये परफ्यूम पैक किया होता है बड़ी खूबसूरत पैकिंग के साथ, ये परफ्यूम मार्केट में अलीशा के नाम से अवेलेबल होता है। ये आपको बताने का मकसद ये है कि खुशबू बनाने का ब्रांड कोई और होता है, उस ब्रांड से खुशबू परचेज की जाती है, उसको आगे नाम दिया जाता है, उस नाम को कंपनी कैश करती है, जो कंपनी जो ब्रांड जो नाम आप मुतारफ करवाएंगे वो नाम दुनिया में आपसे ही अवेलेबल होगा। प्यारे व्यूअर, ये थी मुख्तसर सी मालूमात कुछ खुशबू की ब्रांड को स्टार्ट करने के हवाले से। ये सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं कि ब्रांड को किस तरह तरतीब दिया जाए। आज हमने बात की ब्रांड की, जो सबसे मेन पॉइंट होता है जिस पे ब्रांड खड़ा होता है वो खुशबू की क्वालिटी होती है, ये खुशबू की क्वालिटी, ये जो क्वालिटी होती है इसके ऊपर ब्रांड खड़ा होता है। ब्रांड की जो खुशबू अच्छी होती है, जो नोट अच्छी होती है, जो फ्रेग्रेंस लॉन्ग लास्ट होती है, उसकी बेस पे ब्रांड खड़ा होता है। ये तमाम मालूमात मजीद आपसे डिस्कस करते रहेंगे। हमारी वीडियोस को आखिर तक देखा करें, लाइक और शेयर भी वीडियोस को जरूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल जरूर कर दें और बेल आइकॉन के बटन को तो हमेशा के लिए प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने भाई को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।